कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में ना एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। हमेशा वैल्यूबल बनो, अवेलेबल नहीं। अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करती रहेगी। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। एक गलतफहमी मुझे भी हुई जिंदगी में कि हम बहुत जरूरी हैं उसकी जिंदगी में। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। छल कपट के युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी काम होता है। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो। गलत फहमी मत रखा करो, क्योंकि गलत फहमी मिटे ना मिटे पर रिश्ता जरूर मिट जाता है। जब इंसान खुद का हो जाता है फिर उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वो तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता जिंदगी में। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वो जमाना अब नहीं रहा दोस्तों जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात न हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पे नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पे ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ हैं हम, लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के बाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं।
सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम। खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, ये तो वक्त ही बताएगा। बस इतना कहता हूं, अब कभी मेरी जिंदगी में लौट कर मत आना। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अगर अच्छे होते तो ये दुनिया जीने ही नहीं देती। जिंदगी में कभी भी किसी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वो आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वो कभी रोने नहीं देगा। जो मेहनत का सूर्य अस्त नहीं होने देते, वही सफलता का सूर्य उदय होते हुए देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा हुआ है, बस सही वक्त का इंतजार है। जब आपको कोई भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक सबसे पहले मर जाता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वो होश में रहकर भी बेहोश ही रहते हैं। बाहर से लहजे रसीले हैं, लेकिन अंदर से लोग बहुत जहरीले हैं। वह गहरे अंधेरे ही थे जिन्होंने मुझे रोशनी की अहमियत सिखाई। अंत सभी का समान है, हम जीते जी क्या करते हैं, बस वही हमें अलग बनाता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। न मुझसे बेवजह झुका जाता है, और जहां मेरी जरूरत न हो न वहां मुझसे रुका जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वो लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। मुझसे दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं अपनी जिद पर जीता हूँ। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहाँ यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा इस दुनिया से। मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। न जाने क्यों मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो झलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझमें जो सुकून, बस ये ही मेरी गलती है।
जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने ये आलम इस जमाने में, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वो जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है और कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता, एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है। दिल हजार बार चीखे, उसे चिल्लाने दो, जो आपका नहीं उसे जाने दो। एक फकीर मेरे जिस्म को छूकर बोला, क्या अजीब लाश है, सांस भी लेती है, बताओ तो कैसे निकलता है जनाजा उनका, वो लोग जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जिंदगी के चार नियम, पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में एंजॉय करो और अपने काम से काम रखो। सफाइयां देना तो दूर की बात है, मैंने तो अपने हक में बोलना भी छोड़ दिया। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना मजाक नहीं, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही आराम है, जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन अगर वो ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। शुरुआत में तो सब अच्छे बनते हैं, मसला तो आखिर तक अच्छा बना रहने का होता है। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हों, उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डालें, पैर तो हमने ही रखा था, वो तो अपनी जगह पर ही थे। ना पाने से ना खोने से कुछ मतलब है, ये दुनिया है इसे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है। तेरी और मेरी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है तुमसे बात करने के लिए। खुद के लिए एक सजा चुन ली मैंने, तेरी खुशियों की खातिर तुझसे दूरियां चुन ली मैंने। मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने क्या छीना है हमसे। हर किसी से प्यार हो जाए मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहे वो भी हमें चाहे ये जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं इस जहां में मुझे समझने वाला, एक आस थी तुझसे और वो भी टूट गई। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। भूल जाते हैं एक दिन वही लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते। आप हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, मैंने कहा जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी होती है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है, ये हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है
इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती है। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पे 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है, कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। वक्त भी और शख्स भी। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने तो फूलों के साथ रहते कांटों को आज तक महकते नहीं देखा। गुस्सा आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान बनाती है। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। उम्मीद ना कर इस दुनिया में हमदर्दी की, बड़े प्यार से जख्म देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। ये सोच कर कि रिश्तों में दरार न पड़ जाए, हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वो फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले हजार बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। इतनी अजीब है यह दुनिया, यहां झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हो, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां हमने, लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए
अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो